शटाकटाह संभ्रम भ्रमिलिंप निर्जरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी। मिलिए उमा शंकर से, जिनकी जोड़ी बनने जा रही है कनक से। करेषु दासी कर्णेषु मंत्री भोजेषु माता शयनेषु रम। कौन है वो कहां से वो सास बहू और बेटियां लेकर आया है स्टार प्लस के नए सीरियल तू सूरज में सांझ पिया जी की पहली झलक, जो दरअसल दिया और बाती हम का सीजन 2 है। कहानी है कनक की, जो है भाबो की पोती यानी सूरज और संध्या की बेटी। कैसे कनक की मुलाकात होती है उमा शंकर से और शुरू होती है बिल्कुल वैसी ही लव स्टोरी जैसी सूरज और संध्या की थी। उमा शंकर की एंट्री हुई बिल्कुल उसी जगह पर जहां पर फिल्म बाहुबली शूट हुई थी। लेकिन हमारे उमा शंकर बेहद संस्कारी हैं और शिव भक्त हैं। इस किरदार को निभा रहे हैं अविनेश रेखी। नमस्कार, मैं हूं आपका अविनेश। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक बहुत ही अच्छे किरदार के साथ वापस आ रहा हूं, जो कि है उमा शंकर का। उमा शंकर एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, बहुत ही आज्ञाकारी इंसान है, बहुत बड़ा शिव भक्त है। और उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो एक तो रोज सुबह उठता है, सुबह उठ के योगा करता है, सूर्य नमस्कार करता है, उसके बाद वो अपने काम के लिए जाता है जो कि आयुर्वेद का काम है। जिन्हें आपने सीरियल मधुबाला और छल में देखा है, लेकिन इस बार सिक्स पैक एब्स वैब्स बनाकर उमा शंकर आ गए हैं लड़कियों का दिल चुराने। पत्नी को दासी की तरह होना चाहिए, दासी पति का भी कुछ सम्मान होना चाहिए। रंभा की तरह मनोरंजक बने, बीवी चाहिए या आइटम गर्ल। जब नारी में सारे गुण श्रेष्ठ हो तभी तो बन सकते हैं दिया और बाती। नहीं, जब मुझसा कोई मिलेगा तभी बनेंगे दिया और बाती। भाई उमा शंकर तो बेहद संस्कारी है और कनक है बोल्ड और बिंदास। ऐसे में कैसी होगी इनकी लव स्टोरी, यही है तू सूरज में सांझ पिया जी की कहानी, जिसकी झलक आपने देखी सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में। वैसे कनक को साथ साथ भावों का भी दिल जीतना है, जो कनक को सूरज और संध्या की मौत का जिम्मेदार मांगती है। पर स्वभाव में मारे सूरज की एक भी झलक ना है, संध्या बेनी की कोख से जन्म लियो है, लेकिन मारे दिल में इसके लिए कोई जगह ना है। यानी एक तरफ उमा शंकर और कनक की लव स्टोरी, दूसरी तरफ भावो का फैमिली ड्रामा। देखना होगा कि क्या दिया बाती है और हम की तरह तू सूरज में सांझ पिया जी की भी दर्शकों के दिल को जीत पाएगा। आज तक ब्यूरो।